नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष और आप देख रहे हैं मुस्लिम। दोस्तों आज का जो प्रोडक्ट है वो स्पेशली किड्स के लिए है और वो है ये मैजिक स्केच पैड। इसकी खास बात ये है दोस्तों कि इसमें जब स्केच करेंगे उसके बाद आप इस ड्राइंग शीट को निकाल के और इसको लाइट अप कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से लाइट इसमें जल जाएगी तो जो भी स्केच किया हुआ होगा वो ग्लो करेगा अंधेरे में, जिससे कि ड्राइंग का जो एक्सपीरियंस है बच्चों के लिए वो थोड़ा सा डिफरेंट और थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है। और क्या क्या आता है इसके साथ और कैसे ये वर्क करेगा, देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग करके। ये है बॉक्स हमारे मैजिक स्केच पैड का और यहाँ ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट आर्ट दैट ग्लोज, और इधर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइट अप ड्रॉइंग पैड, क्योंकि इसमें लाइट जल जाती है तो इसलिए ये लिखा हुआ है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है स्पार्क्स क्रिएटिविटी मेक्स लर्निंग फन रीयूजेबल वाइप एंड क्लीन। इसको आप यूज भी कर सकते हो वाइप करके। और यहाँ पे देखें तो मैजिक स्केच पैड जो कि ये है लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपको बताया कि 3 साल से ऊपर के बच्चे इसको यूज कर सकते हैं। ये जो है ये प्रोडक्ट का पिक्चर है, कुछ इसी तरीके से जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है वो इसमें है। और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे बताया गया कि इसके बॉक्स के साथ क्या क्या इंक्लूडेड है। एक मैजिक पैड है, 3 ड्यूअल साइडेड नियॉन पेन्स हैं, एक ड्राई इरेजर है, ग्लो बूस्ट कार्ड है, 3D स्टेंसिल्स हैं और एक फन गाइड भी इसमें दी हुई है। और यहाँ पे देखें तो ये 3 ड्यूअल साइडेड नियॉन पेन्स यहाँ पे आप दिखाए गए हैं जो कि इसके साथ इंक्लूडेड हैं। और यहाँ बताया गया है कि इसमें 8 लाइट इफेक्ट्स हैं। और उसके बाद इसमें साइड में देखें तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है क्रिएट आर्ट दैट ग्लोज, और पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पे सेम लिखा हुआ है। और यहाँ नीचे आपको बताया है कि क्या क्या आप इससे बना सकते हो, किस किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। इसमें एक ऑन ऑफ बटन है जिससे कि लाइट ऑन होगी, ये सब इसमें बताया गया है। और यहाँ देखें नीचे तो ये मेड इन चाइना प्रोडक्ट है, और बाकी साइड सेम है, ऊपर भी सेम है। तो अब इसको ओपन कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ हमें 4 चीजें देखने को मिलती हैं। पहला है ये जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें पहला जो है ये फन गाइड है जिसमें कि लिखा हुआ है किस किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है ये ग्लो पैड, जब आप इसको किसी भी ड्राइंग को करके और आपको लाइट ऑन करनी होगी तो उससे पहले आप इसको पीछे लगाएंगे तो जो लाइट है वो और निखर के सामने आएगी, और ड्राइंग जब आप हटा देंगे तो इसी के थ्रू वो ग्लो करेगा। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब ड्राइंग्स दी गई हैं, जिससे कि जो बच्चे हैं वो इसको इसमें डाल के और ड्राइंग पहले कर सकें और उसके बाद इसको लाइट करके आप ग्लो कर सकते हो। तो ये वो सब ड्राइंग्स हैं जिसमें कि लर्निंग भी है, मैथ्स वगैरह भी है, सब अलग अलग तरीके की ये इन्होंने ड्राइंग्स दी हुई हैं, पजल वगैरह भी है। तो अलग अलग तरीके से आप अपने बच्चों को इसे ड्राइंग करा के इसमें आप यूज़ करवा सकते हैं इसको। और दूसरी जो चीज़ है वो है ये क्लीनिंग क्लॉथ, जिससे कि आप इसमें ड्रॉ करके उसके बाद इसको पोंछ सकते हैं। और तीसरे हैं ये ड्यूअल साइडेड नियॉन स्केच पेंस, जिससे कि आप इसमें ड्राइंग जो है वो ड्रॉ करेंगे। अब ध्यान रखिए कि आपको ड्राइंग जो है वो इसमें नहीं करनी कागज़ों में, आपको ड्राइंग ये कागज़ इसमें डाल के और फिर इसमें करनी है, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। और ये देखें तो ये जो ये ग्लो पेंस हैं ये ड्यूअल साइडेड हैं, ये देखिए ये दोनों साइड से आप इसको चला सकते हैं। और लास्ट जो हमारा आएगा वो है ये मैजिक पैड। ये बेसिकली पूरा प्लास्टिक का है, बीच में ये जो है ये फाइबर है और बहुत हल्का फाइबर है ये। और यहाँ देखें तो ये ऑन ऑफ बटन है, जब लाइट जलनी होगी तो इसी के थ्रू ऑन ऑफ करके आप इसमें लाइट जला पाएंगे। और पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको ये देखिए ये स्टैंड्स दिए हुए हैं। ये बेसिकली ये जो स्केच पेन है अलग से जैसे रख देते हैं तो खो जाते हैं, तो ये इसमें आप इस तरीके से सेट कर सकते हो, 3 है इस तरीके से। तो ये क्या है कि आपको यूज़ करने के बाद बच्चों के, और ये गुम नहीं होगा, इसी में पड़ा रहेगा, नेक्स्ट टाइम जब आपको यूज़ करना है तो दोबारा आप इससे यूज़ कर सकते हो। और यहाँ आप देखें तो ये जो है ये बैटरी कंपार्टमेंट है, इसको खोल के इसमें 3 AA बैटरीज लगेंगी, जो अभी ओपन करके मैं इसमें लगा दूंगा वो इसके साथ इंक्लूडेड नहीं है, आपको अलग से परचेज करनी पड़ेगी। और इसमें आपको एक स्टैंड भी देखने को मिलेगा, इस तरीके से आप इसको खींच के और एज अ फ्रेम भी आप इसको इस तरीके से रख सकते हैं। तो जो भी आपके बच्चे ने ड्राइंग बनाई हुई है अगर आपको उसको डिस्प्ले करना है अच्छे से तो इस तरीके से रख के और आप उसको डिस्प्ले भी कर सकते हो, या फिर आप किसी फोटो को इसमें डाल के और इसको एक फोटो फ्रेम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम इसमें बैटरीज डाल देते हैं और उसके बाद इसमें ड्राइंग बना के और उसको चेक करते हैं कि अंधेरे में ये कैसा लग रहा है। दोस्तों सबसे पहले हम इसमें बैटरीज डाल लेते हैं। दोस्तों ये देखिए मैंने जैसे ही इसमें बैटरीज डाली इसमें लाइट जल गई थी कि ये बैटरीज डल गई, और उसको बंद कर देते हैं। दोस्तों इसमें बैटरीज डल गई हैं और अब अंधेरे में मैं आपको इसमें
लाइट जो है वो ऑन करके और चेंज करके दिखाता हूँ। ये देखिए रेड कलर हो गया, सेकंड करेंगे तो ग्रीन हो गया, थर्ड करेंगे तो ब्लू, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, तो ज़्यादा कलर में डिफरेंस नहीं है, और नाइन्थ में ये बंद हो गया। और दोस्तों एक कमी जो इसमें देखने को मिल रही है वो ये कि इसमें इस बटन को आप टच भी नहीं करेंगे, सिर्फ इस पीछे बैटरी वाले कंपार्टमेंट को एक बार अगर टच कर देंगे इस तरीके से तो लाइट अपने आप ऑन हो जाएगी, और ऑन होने के बाद बंद भी अपने आप हो जाती है। तो इसमें आप ड्राइंग्स डाल के और ड्राइंग करके इसको ग्लो करके देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें करना ये है कि इसके ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ पर ये खाली है, तो इस ड्राइंग को पहले इसमें डालना है हम लोगों को। ये कुछ इस तरीके से ये डल जाएगा पीछे, ये देखिए। और अब इसमें कलर कर लेते हैं। तो दोस्तों कुछ कुछ कलर्स के चल नहीं रहे, जैसे ये वाला जो है वो कलर्स में चल नहीं रहा है, और ये वाला चल रहा है तो इसको ही कर लेते हैं। दोस्तों फिलहाल मैंने इसमें ये कलर कर लिया है, कुछ इसके कलर्स जो है वो चल नहीं रहे हैं तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, बट मुझे ये नॉर्मल स्केच पेन ही लग रहे हैं तो उसके हिसाब से आप कलर कर सकते हैं। और अब इसको अगर ऑन करें तो कुछ इस तरीके का ये दिखेगा, अगर मैं लाइट ऑफ करके आपको दिखाऊँ, ये देखिए ये इस तरीके का कुछ दिख रहा है। इसको आपको अब ड्राइंग को निकाल देना है पीछे से, तरीके से आप निकाल देंगे, और इसकी जगह पे ये जो उसका ग्लो पैड है इसको आप इसमें डालेंगे। ये दोस्तों ग्लो पेपर जो है ये बेसिकली एक ब्लैक पेपर ही है, बहुत हल्का सा, जो कि आप मार्केट से ही परचेज कर सकते हो अगर ये हो जाए तो ये इस तरीके से सेट हो गया। और अब यहाँ पे दोबारा मैं अंधेरा कर दूँ और फिर ऑन करके दिखाऊँ इसको आपको, तो ये देखिए ये अगर इसको ऑन करें तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अभी मैंने दो ही कलर में इसको किया है क्योंकि ये कलर चल नहीं रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में जब आपका बच्चा जो है वो उसको कलर करेगा तो इसका लुक और निखर के अच्छी तरीके से आएगा। अभी तो मैंने ऐसे रफली कर दिया था, और जिस भी कलर में इसको आपको रखना है आप रख सकते हैं। अगर आपको अपने बच्चे की कोई ड्राइंग है या फोटो है उसको अगर डिस्प्ले भी करना है तो इसको इस तरीके से रख के आप इसमें डिस्प्ले कर सकते हैं, इस तरीके से ये स्टैंड में लग जाएगा, तरीके से इसके कलर चेंज हो जाएंगे, 8 कलर्स हैं इसमें। दोस्तों बेसिकली जो नॉर्मल ड्राइंग होती है उससे थोड़ा सा ये हटके है, कोई अच्छी फोटो या कोई अच्छी ऐसी चीज़ आपके बच्चे ने अगर बना दी जिसको आपको हटाना नहीं है, डिस्प्ले करके रखना है, तो इसके लिए ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है जिसको कि आप कहीं भी रख के और डिस्प्ले कर सकते हो, कुछ ऐसी चीज़ जो बहुत बढ़िया बनाई हुई है अगर बच्चे ने तो ये उसके हिसाब से एक बढ़िया प्रोडक्ट है। और ये जो नॉर्मल कागज़ हैं ये आप प्रिंटआउट भी नेट से निकाल के और इस साइज़ का इसमें काट के डाल सकते हो, तो दोबारा वो कुछ लेना नहीं पड़ेगा। ये सारे पेपर जो हैं वो इंटरनेट से निकल आते हैं, तो और ये जो है ये नॉर्मल स्केच पेंस की तरह ही हैं, तो आप इसको हमेशा यूज़ कर सकते हो इजली। और अगर आपको इसको क्लीन करना है तो ये जो इसका क्लीन क्लॉथ आया था इससे आप इसको पोंछ के और ये क्लीन कर सकते हो कुछ इस तरीके से, ये देखिए ये क्लीन हो रहा है। दोस्तों बात करें अगर इसके प्राइस की तो ये अमेजोन पे आपको 399 का मिल जाएगा। अगर आपको परचेस करना है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाके आप इसको परचेस कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं नए डिस्क्रिप्शन के साथ। थैंक यू।